गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम पार्ट टू देखेंगे, हैवी एंड लाइट। ये पिक्चर देखेंगे, ये लाइट है, ये कार, ये हैवी है। ठीक है, इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे। प्रैक्टिस टाइम। टिक द वन दैट इज़ हैवी एंड क्रॉस द वन दैट लाइट। यानी कि जो हैवी होगा उस पर आपको टिक करना है राइट का, और जो लाइट होगा उस पर क्रॉस का। फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास बैट एंड बॉल है। बैट को देखेंगे तो ये हमें हैवी दिख रहा है, और बॉल है हमारी, ये लाइट है। तो जो हैवी है वो हमें इस पर टिक करना है, और जो लाइट है उस पर हमें क्रॉस करना है। ठीक है। सेकेंड है आपका एक बुक, आपके पास है बुक एंड पेंसिल। पेंसिल बुक आपकी है हैवी, तो इस पर टिक करेंगे, और पेंसिल है आपकी लाइट, तो इस पर करेंगे क्रॉस। ये आपके सामने चेरी और ये मैंगो, इस पर करेंगे क्रॉस, इस पर करेंगे टिक। क्रॉस। इस तरीके से हमने हैवी और लाइट सीखा। नेक्स्ट है हमारा इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मींस होता है अंदर, आउटसाइड मींस बाहर। फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर में देखेंगे, टॉमी इज इनसाइड द कैनल। यानी कि जो डॉगी है वो किसके अंदर है, कैनल के अंदर, यानी कि इनसाइड, क्योंकि वो अंदर है कैनल के। जिमी इन इज आउटसाइड द कैनल, यानी कि जो कैनल के अंदर टॉमी है बाहर है, यानी कि आउटसाइड है। ये इनसाइड, ये आउटसाइड, जो चीज़ अंदर है उसको इनसाइड, और जो बाहर है वो आउटसाइड। प्रैक्टिस टाइम में देखेंगे, टिक द वन दैट इज इनसाइड एंड क्रॉस द वन दैट इज आउटसाइड। पिक्चर में देखेंगे बास्केट, एक कैट है वो बास्केट के अंदर है, एक कैट है जो बास्केट के बाहर है, यानी कि जो इनसाइड हुआ और जो हमारा आउटसाइड। तो इनसाइड वाले पर हमें क्या करना है, टिक करना है, और आउटसाइड वाले पर क्रॉस। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस बास्केट में एक एप्पल है वो इनसाइड है, और एक एप्पल है वो आउटसाइड है, तो क्या होगा, टिक और क्रॉस। नेक्स्ट देखेंगे, एक केज है, पिंजरे, ये बर्ड है, चिड़िया, जो केज के अंदर है, इनसाइड हुई, टिक होगा इस पर, ये आउटसाइड है यानी कि क्रॉस। ये हमारे पास पॉट है, इसके अंदर एक फ्लावर है, ये हमारा क्या हुआ, इनसाइड और ये आउटसाइड। इस तरीके से हमने आउटसाइड और इनसाइड सीखा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे मोर एंड लेस। मोर मींस होता है ज़्यादा, लेस मींस होता है कम। ठीक है, दिस इज़ मोर, दिस इज़ लेस। ये हमारे सामने है बॉय, इसके हाथ में है बलून, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 बलून है, और ये क्या है, 1 2 3 4, ये 4 हैं, यानी कि कम है। ये मोर हुए, ये क्या हुए, लेस हुए। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम में देखते हैं, टिक द वन दैट इज मोर एंड क्रॉस द वन दैट इज लेस। यानी कि जो हमारा मोर होगा उस पर हमें टिक करना है, जो लेस होगा उस पर हमारे क्रॉस करना है। ये है बनाना, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हमारे 5 हैं, ये हमारे 4 हैं, तो ये हमारा मोर हुआ, ये हमारा लेस हुआ। तो मोर वाले पे हमें टिक करना है और लेस पर क्रॉस करना है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे सामने कार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है कार और ये 7 है, तो ये हमारे मोर हुआ, ये हमारा लेस हुआ, इस पर हम टिक करेंगे, इस पर क्रॉस करेंगे। ये है फ्लावर, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 4 है, मोर और लेस, टिक एंड क्रॉस।
ये हैं टॉफी, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं यानी कि मोर हैं, ये लेस हैं, 3 हैं यानी कि लेस हैं, राइट क्रॉस। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है कंपैरिजन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करिए और समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।